देवेंद्र कुमार मैम वॉट इज द प्रोसीजर टू ड्रिंक वाटर फ्राम कॉपर वैसल्स एंड वी हैव टू ब्रेक ऑफ वन मंथ देवेंद्र जी कॉपर वेसल्स से पानी पीना आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है कॉपर वेसल्स से पानी पीने से फ़ायदा होता है ऐसा कोई भी मेडिकल लिटरेचर नहीं है ऐसा कोई भी सबूत नहीं है कॉपर वेसल्स से पानी पीना ये सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक है हमारे पुराने ऋषि मुनि जो कॉपर वेसल्स में पानी पीते थे वो इसलिए क्योंकि उस वक्त इनर्ट मटीरियल के वेसल्स जैसे कि स्टील ग्लास ये सब बर्तन जो थे वो तभी इन्वेंट नहीं हुए थे या इजीली अवेलेबल नहीं थे इसीलिए वो कॉपर के वेसल्स यूज़ कर रहे थे वो कॉपर के वेसल्स यूज़ कर रहे थे इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी यूज़ करना चाहिए कॉपर वेसल से फ़ायदा होता है ये कोई भी रिसर्च से पता नहीं चला है इनफैक्ट कॉपर वेसल्स में अगर आप पानी भर के रखते हो और पीते हो उससे कॉपर टॉक्सिसिटी होती है अब कॉपर टॉक्सिसिटी का मतलब क्या तो जब आप कॉपर की बॉटल्स या कॉपर के बर्तनों में पानी रखते हो तो आपने एक नोटिस किया होगा कि कई बार वो वेसल में अंदर से जंग लग जाता है या रस्ट हो जाता है और कई बार वो जो मेटल है वो अंदर से करोड़ हो जाता है या करोजन हो जाता है जिसकी वजह से वो थोड़ा सा पानी में सीपेज होता है अब ये क्यों होता है जनरली जो पानी होता है वो कभी भी न्यूट्रल नहीं आता कहीं पर भी आ, पानी का कुछ ना कुछ पी लेवल तो ऑलवेज होता ही है तो वो जो पानी के अंदर जो इम्प्योरिटीज़ होते हैं जो मिनरल्स होते हैं या उसका जो पी लेवल का वेरिएशन होता है वो कॉपर के मेटल के साथ रिएक्शन करता है जिसकी वजह से कॉपर का ऑक्सीडेशन होता है और उसकी वजह से वो रस्ट होता है एंड कई बार कॉपर जो है एक्चुअल मेटल है वो पानी में सीपेज होता है और वो जब आप पीते हो तो आपके बॉडी में जाता है तो चलिए अब हम देखते हैं कि कॉपर टॉक्सिसिटी का मतलब क्या और उससे क्या प्रॉब्लम्स होते हैं सबसे पहला तो कॉपर टॉक्सिसिटी होता है वो है गैस्ट्रो इंडस्ट्रियनल ट्रैक में यानी कि आपका पेट खराब हो जाता है जो लोग लंबे समय से कॉपर वैसल में पानी पीते हैं या सिर्फ कॉपर वेसल्स में पानी पीते हैं उनको पेट में दर्द होता है लूज मोशंस नौशिया होता है आ, कुछ फीमेल्स में एक बहुत आ, आ, हैरानी वाली चीज देखी गई है जनरली जो लेडीज कॉपर वेसल्स में पानी पीते हैं उनके पीरियड्स रुक जाते हैं यस और अगर और कुछ लेडीज में गोल्ड स्टोन्स भी देखे गए हैं यानी कि पित्ताशय में पथरी होने की संभावना हो जाती है कॉपर uh, टॉक्सिसिटी की वजह से लीवर भी खराब हो सकता है एंड लॉन्ग टर्म यूज़ की वजह से लीवर सिरोसिस भी देखा गया है इसीलिए अगर आपको पहले कभी भी जॉन्डिस हुआ है या हेपेटाइटिस के पेशेंट हो या हेपेटाइटिस आपको हो चुका है तो कभी भी आपने कॉपर वेसल्स का पानी यूज़ नहीं करना चाहिए पॉइंट नंबर थ्री इज किडनी डिजीज़ यस किडनी डिजीज़ वाले जो पेशेंट्स होते हैं उन्होंने भी कॉपर वैसल्स का पानी नहीं लेना चाहिए और अगर आपको किडनी स्टोन्स बार बार होते रहते हैं तो आपने कभी भी कॉपर वैसल्स में पानी नहीं लेना

केसेस में ऐसा देखा गया है स्पेशली जिनको जी सिक्स पीडी डेफिशिएंसी होती है जेनेटिक कंडीशन है तो उन लोगों ने भी नहीं लेना चाहिए ओके ऑल दीज मस्ट रिमेंबर क्या करना चाहिए देखिए अभी आ, एक हाँ एंड वन मोर एक्चुअली टू डि टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स विच आई फोर टू टेल यू कुछ लेडीज़ में जैसे मैंने कहा लेडीज़ के लिए थोड़ा सा हार्मफुल है और स्पेशली अगर किसी को आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है तो आर्थराइटिस के पेशेंट्स में ऑस्ट्रियो आथराइटिस और भी ज़्यादा वर्सन हो जाता है अगर वो कॉपर वेसल्स का पानी लेते हैं तो लेडीज़ uh, में ऑस्ट्रियो आथराइटिस या ऑस्ट्रोपोरोसिस भी देखा जाता है वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो होता है स्पेशली अगर आप कॉपर वेसल्स में भरा हुआ पानी अगर रेगुलरली लेते हो तो आपके बॉडी में फ्री रेडिकल डैमेज होता है बिकॉज ऑफ द कॉपर आयोन जो पानी में लीच होते हैं अब फ्री रेडिकल डैमेज की वजह से क्या होता है कि आपके बॉडी में जो सेल्स होते हैं वो कई बार म्यूटेट होते हैं और एक बहुत ही शॉकिंग चीज़ देखी गई है कि कुछ पेशेंट्स में जो रेगुलरली कॉपर वेसल्स का पानी लेते हैं उनकी स्किन डार्कन हो जाती है चमड़ी काली पड़ जाती है क्योंकि उसकी वजह से कॉपर की कॉपर आयंस की वजह से एक्सेसिव मेलानिन पिगमेंटेशन प्रोड्यूस होता है ओके सो ऑल दिस थिंग्स आर देयर सो इसीलिए अगर आपको पानी पीना है स्टोर इट इन इनर्ट मटेरियल्स इनर्ट मटेरियल मतलब इस तरह के मटेरियल्स जो पानी के साथ रिएक्ट ना करे भले पानी का कोई भी पीएच लेवल हो लाइक फॉर एग्जांपल स्टील के बर्तनों में पानी स्टोर करना चाहिए या फिर ग्लास के बॉटल्स में पानी स्टोर करना चाहिए ये दोनों मेटल्स छोड़ के और कोई भी मेटल्स में आपने इस्तेमाल नहीं करना चाहिए इट इज़ एस्पेशली डेंजरस फॉर प्रेग्नेंट लेडीज किडनी डैमेज लिवर पेशेंट्स और छोटे बच्चों में तो कॉपर वेसल्स का पानी बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए ओके सो आई होप आपके दिमाग की बत्ती खुल गई तो प्लीज रिमेंबर दैट ऑल